हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड वाला में। तो आज लेकर आए हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके रहेंगे रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस और आपका सेकंड टॉपिक आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। ठीक है, तो इन दो यूनिट से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, तो उनके प्रॉपर नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोट्स रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसमें देखिए रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट यूनिट है ना। रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। क्या है रिएजेंट, क्या होता है? ठीक है, तो रिएजेंट इज ए मिक्सर डेट इज एडेड टू ए सिस्टम टू इनिशिएट ए केमिकल रिएक्शन और टू द टेस्ट वेदर ए रिएक्शन इज अकरिंग, है ना। तो जब भी कोई मिश्रण में हम रिएजेंट ऐड करते हैं तो इससे क्या पता चलता है, इससे हमें केमिकल रिएक्शन के होने की दर हमें पता चलती है कि किस दर से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। ठीक है, तो ये है थोड़ा इसका डेफिनेशन है। और उसके बाद देखिए ऑक्सीडेशन लिखा है, तो ऑक्सीडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके रिएजेंट में कि किस तरीके से ऑक्सीडाइज होता है कोई भी रिएजेंट आपके केमिकल रिएक्शन में। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो इसमें देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब कोई क्या होता है ऑक्सीजन का एडिशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन रिमूव होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये है आपके थोड़ा डेफिनेशन है इसकी ऑक्सीडेशन की। ठीक है, रिएजेंट आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ डी डी क्यू इसको कहते हैं, और इसका जो पूरा नाम है वो आपका 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाई साइनो बेंजीन क्विनोन डाई साइनो बेंजी क्विनोन। ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट होता है एंड इट इज़ यूज एज रिएजेंट, ये भी रिएजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहाँ? ऑक्सीडेटिव कपलिंग में, साइक्लाइजेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, तो जो भी हाइड्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके डिहाइड्रोजिनेशन में इसका यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो किस तरीके का ये इसका स्ट्रक्चर रहता है और इसके बारे में ये बताया गया है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है, किन किन तरीक़ों से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट ही दिया गया है डिहाइड्रेशन ऑफ कीटोन, है ना, बेंजीलिक ऑक्सीडाइजेशन, इसमें भी इसका यूज किया जाता है बेंजीन के लिए। तो ये सारे आपके पास दिए हैं और काफ़ी अच्छे नोट्स आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इसका हिंदी नोट्स अगर आप लोग चाहते हो तो हमें आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जैसे आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो आपको इसका पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको मिल जाएगा। अभी हमने आपके लिए इंग्लिश में प्रॉपर नोट्स लेकर आए हैं, है ना, तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और देखेंगे आपकी आपकी ऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसमें आपको इन्हीं यूनिटों से यही आपको पूछे जाएंगे ये वाले टॉपिक। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो रिएजेंट है वो आपका कैन, ऑक्सीडेशन ऑफ कैन। ठीक है, तो देखिए कैन भी देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसका जो पूरा नाम है सीरियम अमोनियम नाइट्रेट इसका पूरा नाम है। कैन का जो यूज होता है देखिए, इसका कैन ऑल्सो यूज इन हेल्प इन ऑक्सीडाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इन टू कीटोन। तो जो क्या करता है, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में और बेंजिलिक एल्कोहल को डी एल्डिहाइड में बदलने का काम करता है। ये इसका स्ट्रक्चर है सीधे कैन का, और उसके बाद इसकी भी एप्लीकेशन है कि किस किस तरीके से इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है। इसमें देखिए फर्स्ट है ऑक्सीडाइजेशन ऑफ बेंजील एंड एल्किलिक एल्कोहल। ठीक है, इसमें इसका ऑक्सीडाइजेशन होता है, ये पूरा प्रॉपर आपके पास हमने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। पीडीसी अगला रिएजेंट है। ठीक है, और इसका जो पूरा नाम है प्रीरिडियम डाइक्रोमेट इसका पूरा नाम है। ओके, और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, और ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन है पीडीसी की, किस किस तरीके से एट रूम टेम्परेचर पे पीडीसी का यूज होता है, ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड। अगर हम इसको क्या करें रूम टेम्परेचर पे लें तो ये क्या करता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है ना, ओके, तो ये था आपका रिएजेंट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाले हैं आपके यूनिट से जो कि आपके पास है रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है और आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और उसके बाद देखिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से आपके पास क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ऑर्गेनोमेटेलिक के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको पूछी जा सकती हैं आपके पास, है ना, क्या क्या स्टेट हैं, सॉल्युबिलिटी क्या है, मेटल कार्बन बॉन्ड्स रिएक्टिविटी क्या है, है ना, ये सारे इनके प्रॉपर्टीज़ हैं आपके इनकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, तो ये स्टेबिलिटी है और ये रिएक्टिविटी है, है ना, तो इनको भी आप लोग देख लीजिए। ओके, उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट आते हैं देखिए, सबसे पहला है आपका ग्रिनॉल्ड रिएजेंट, है ना, जिसको आरएमजीएक्स भी कहते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं इसकी खोज भी आपको पता ही है किसने की है, 1899 में आपके फ्रांसिस्को अगस्त विक्टर ग्रिंडल ने इसकी खोज करी थी। जनरल फॉर्मूला इसको हम क्या लिखते हैं, आर एम एक्स एम जी एक्स, ठीक है, ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और ये इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए आप, और एग्जाम में हर बार ये पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, है ना। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ ग्रिंडल्ड रिएजेंट किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, मैकेनिज्म क्या है इसकी, इसकी मैकेनिज्म भी आप लोग देख लीजिए, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ लुईस एंड बेस, तो ग्रिंडल्ड रिएजेंट इज ए न्यूट्रोफिलिक कंपाउंड दैट रिएक्ट स्ट्रॉन्गली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन इन द मैग्नीशियम विच मूव टू द एल्कली एंड कार्बन टू मेक पार्टली नेगेटिव, है ना। तो जो क्या होता है, पार्टी नेगेटिव होता है। उसके बाद देखिए इसका केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, और केमिकल रिएक्शन तो हर बार पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्टी एप्लीकेशन है और इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। और ये था, उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये भी आपके सिलेबस में मेंशन है, जो फॉर्मेशन है और इसकी जो केमिकल रिएक्शन होगी, है ना, तो ये सारे पूछा जाता है, तो इसकी केमिकल रिएक्शन को भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये है इसकी केमिकल रिएक्शन, तो आप लोग इनको देख लीजिए। ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और ऐसे वीडियो नोट्स आपको लेकर आते रहेंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। तो ठीक है स्टूडेंट, फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।